हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा चैनल करखी एजुकेशनल हब में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे क्लास 9th और 10th की मैथ और साइंस और क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री की वीडियो प्रसारित की जा रही है। आज हम क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 7 है। जो भी बच्चे लेक्चर नंबर 1 से 6 तक नहीं देखे हैं वो जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने बताया था कि इस चैप्टर से लगभग 7 से 10 नंबर यानी कि 7 से 10 नंबर का प्रश्न आता है। इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर या 6 नंबर का ये फिक्स रहता है, हर साल आता है। आप जितने पिछले साल के हुए पेपर हैं सबको देख लीजिए, जितने भी सेट हों सब में देख लीजिए, तो आपको ये मिलेगा 4 नंबर या 6 नंबर का। 100 नहीं, 101% गारंटी लेता हूँ कि ये प्रश्न आता ही इस चैप्टर से। कल हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में जान लेते हैं। कल हमने पढ़ा था पर्सनली 3.3 का पूरा प्रश्न पढ़े थे। और क्या केवल यही पढ़े थे, क्योंकि इसी में ज़्यादा समय हो गया था, क्योंकि पर्सनली ख़त्म हो गई थी तो हमारा मेन टारगेट जो था वो कंप्लीट हो गया था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सनली 3.4 का पूरा प्रश्न। कितना पूरा प्रश्न, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। कह रहा है कि 3.4 का पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी कि आपको विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है, उसके बाद ये बताना है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो इसके 4 पार्ट हैं, 2 पार्ट मैं लगा दे रहा हूँ, 2 पार्ट आपका SW हो जाएगा, तीसरा और चौथा मैं लगा दे रहा हूँ। पहले का देख लीजिए, पहले का तीसरा, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल 0 दिया है। पहला समीकरण ये दिया है, दूसरा समीकरण दिया है 9x बराबर 2x प्लस 7, 2y+7, ये दूसरा समीकरण दिया। तो हम पहले कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, उसके बाद विलोपन विधि से हल करेंगे। तो पहले लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से मैंने ये बताया था कि एक को पाचांतर कर दिया जाता है, दूसरे को हम वैसे रहते हैं, तो ये पाचांतर किया हुआ मिला है। केवल हमें इसमें थोड़ा सा इसमें कम बेसी करना है। जैसे 9x है बराबर 2y+7 है, अब इसको x बराबर लिख सकते हैं 2y+7/9, ये समीकरण 3 दे दीजिए आप। अब क्या करना है, आपको मैंने ये भी बताया था कि जिस समीकरण को आप प्रतिस्थापित करेंगे उस समीकरण में उसका मान नहीं रखेंगे, दूसरे समीकरण में उसका मान रखेंगे। तो दूसरे वाले को प्रतिस्थापित किया है तो समीकरण नंबर 1 में लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में जब x का मान रखेंगे आप तो क्या आएगा देख लीजिए। समीकरण नंबर 1 यही है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0 दिया है। आप चाहे तो इसको इधर पाचांतर कर दे तब भी सही है, नहीं करेंगे तब भी सही है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कर देंगे तो और बेस्ट हो जाएगा, तो मैं कर दे रहा हूँ। 3x माइनस 5y, ये माइनस 4 इधर है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 4। आप रख दीजिए यक्स का मान, यक्स का मान क्या है 2y+7/9 है, तो 3 × 2y+7/9 और क्या दिया है माइनस 5y इज इक्वल 4, ये दिया है। अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 बार गया तो 2y+7/3 माइनस 5y
इज इक्वल 4, ये समीकरण हो जाएगा। आप क्या करें, एलसीएम ले लें, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 2i प्लस 7 माइनस 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15y इज इक्वल 4। अब देखिए जब इसको करेंगे आप सॉल्व, तो माइनस 13y प्लस 7 इज इक्वल क्या मिल जाएगा आपको, 3/4 ये मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, त्रिज्या गुणा कर दे रहे हैं हम लोग, 3/4 या 12 माइनस 13y इज इक्वल आ जाएगा 12 प्लस 7 प्लस 7 इज इक्वल 12। अब माइनस 13y इज इक्वल क्या आ जाएगा, 12 माइनस 7, तो y माइनस माइनस 13y इज इक्वल आ जाएगा 5, y जो इज इक्वल आ जाएगा 5/-13। या y का मान ज्ञात कर लिए। अब समीकरण एक या दो में जिसमें मन कहे आप, एक दो तीन जिसमें मन करे आपका, उस समीकरण में इसका मान रख सकते हैं, जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें रख दीजिए। मैं समीकरण नंबर एक में लिख दे रहा हूँ। अब लिखेंगे समीकरण नंबर तीन में, समीकरण नंबर तीन में वाई का मान रखने पर, समीकरण नंबर तीन में जब वाई का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यक्स बराबर आ जाएगा वाई का मान 5/-13 इंटू वाई का मान ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्लस 7/9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10/-13 प्लस 7/9। एक हो जाएगा एलसीएम इधर माइनस 13, तो 10 ये इसको एलसीएम लेंगे तो इधर लगा दें माइनस, कोई फ़र्क नहीं, और 13 7 91 जिसे बोल दिया 91 हो गया, क्या आ गया 21/13। 21/13 जब आ जाएगा, 21/13/9 इसके 9। अब देखिए 21/13 ये अलग पार्ट है, ये 9 अलग पार्ट है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे 21/13, अभी ये भाग है, ये भाग है ना, ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा तो 1/9 हो जाएगा, 9 1 9 9 9 81, तो यक्स बराबर आ जाएगा 9/13। ये आपका यक्स का मान आ गया, वाई का मान 5/13 आया था, यक्स का मान 9/13 आ गया। अब जब इस समीकरण में रखेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। अब ये तो प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे, जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं प्रतिस्थापन विधि से काफ़ी लॉन्ग हुआ हो गया था। अब हम इसको हल करेंगे विलोपन विधि से, उसके बाद आपको जो अच्छा लगेगा यानी जो अधिक उपयुक्त होगी उस पे नाम लिख देंगे कि हमें ये विधि बहुत ही अच्छी लगी है। चलिए अब हम चलते हैं विलोपन विधि से हल करेंगे। जब आप इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो पहले समीकरण को लिख लीजिए, ये हो जाएगा 3x-5y इज इक्वल 4 हो जाएगा, ये समीकरण एक है। ये हो जाएगा 9x-2y इज इक्वल क्या हो जाएगा 7, ये समीकरण नंबर 2 है। अब या तो आप y को बराबर करें या तो x को बराबर करें। जब y को बराबर करेंगे इसमें 2 से गुणा करेंगे तब हो जाएगा y बराबर, और इसमें फिर 2 से 5 से गुणा करेंगे तब ये बराबर होगा। आप इसमें जब 3 से गुणा कर देंगे तो ये केवल एक ही में गुणा करेंगे तो आपको बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण नंबर एक में, समीकरण नंबर एक में 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर जब 3 से गुणा कर देंगे तो 3 में समीकरण एक में पूरे में गुणा करेंगे, ये नहीं कि केवल यक्ष में ही गुणा करेंगे, पूरा जितना समीकरण है उसमें पूरा से गुणा कर देंगे। तो 3 में 3 का गुणा करेंगे हो जाएगा 9x। अब 3 में 5 का गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, -15y। अब 3 में 4 का गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, ये समीकरण नंबर ये 1 हो गया इस इक्वेशन में। अब दूसरा समीकरण लिख दीजिए, दूसरा समीकरण 9x-2y इसको 7 था, ये दूसरा समीकरण था। अब समीकरण एक और समीकरण दो को घटा दीजिए,
तो यहाँ पे घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये बराबर, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक में से समीकरण दो घटाने पर, समीकरण दो घटाने पर जब घटाएंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये जो आएगा ये आ जाएगा 13 - 13y बराबर आ जाएगा ये 5y, जो इक्वल आ जाएगा 5/-13। वही इक्वेशन आ गई कि नहीं? उसमें भी y का मान 5/-13 आया था और इसमें भी y का मान -5/-13 आया था। ये इसको मानक रूप में जब हम लिखेंगे ये हो जाएगा -5/13, ये इसका मानक रूप हो गया। तो अब देखिए, या वाई का मान आ गया, कोई भी समीकरण में रख दीजिए आप, मैं समीकरण एक में रख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख देख लीजिए, समीकरण नंबर एक में वाई का मान रखने पर, समीकरण नंबर एक में जब वाई का मान रखेंगे आप तो क्या मिल जाएगा? देखिए समीकरण नंबर एक क्या है, 3x-5y, यही है ना, 3x-5y बराबर 4 है। अब देखिए y का मान क्या आया, जहाँ y है वहाँ पे ये रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x-5/5-13/4, ये बराबर 4 हो जाएगा। 3x हो जाएगा माइनस प्लस का गुणा माइनस, 5/25-13 = 4 हो जाएगा। माइनस, ये माइनस 13 इधर रहेगा। अब ये माइनस जो है ये किधर चला जाएगा, ये तो माइनस इसका नहीं है, ये तो माइनस बीच में लगा हुआ है, इसको बहुत से बच्चे इसमें ये गुणा कर देंगे, ये माइनस से माइनस काट देंगे, ऐसा नहीं होगा। देखिए 3x बराबर हो जाएगा, इसको इधर जब ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4+-13, तो 3x बराबर हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, 13 * 52 हो जाएगा, -+25 ये हो जाएगा। अब 3x बराबर लिख देंगे, ये माइनस हट गया अब यहाँ से क्योंकि ऊपर लगा दिए ना, तो अब 52 में से 25 घटाएंगे तो जो आपका मान आएगा, देखिए ये यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लस, ये तो प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि ये माइनस हो रहा है इसमें, देखिए ये ऊपर वाला माइनस हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो मैंने किया था गलती, अब 52 में से 25 घटा दीजिए, 12 में से 5 गया 7, 4 27 हो जाएगा, 27/13 क्या हो जाएगा, 27/13, इधर 3 गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 27/13/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 27/13 × 1/3, 3 * 27 क्या आ जाएगा, 3 * 27 तो क्या आ जाएगा, यक्स बराबर 9/13। यक्स का मान उसमें भी 9/13 आया था और उसमें भी वाई का मान -5/13 आया था। ये दोनों इक्वेशन इस तरीके से हल हो गई। अब हम चलते हैं, जो भी बच्चे इसको नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लें। अब हम चलते हैं इसके चौथे पार्ट पे। चौथा पार्ट क्या कह रहा है, इक्वेशन दिया है यस x/2 +2y/3 बराबर दिया है -1 के, ये समीकरण नंबर एक हो गया। दूसरा समीकरण है x-y/3 बराबर क्या दे दिया है, 3 दे दिया, ये समीकरण नंबर दो हो गया। आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर दीजिए, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से जब आप इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए दूसरा समीकरण को पाचांतर करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा, इसको भी करेंगे हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी ये कि आपको जो कैलकुलेशन करना रहेगा,
वो ज़्यादा हो जाएगा लंबा, इसलिए मैं पहले को कर दे रहा हूँ दूसरे समीकरण को। तो जब आप दूसरे समीकरण को पाचांतर कर देंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, 3 + y/3 यही आएगा ना, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप इसको या चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं इसको, जब आप इसको सॉल्व करेंगे x बराबर ये 3 लास आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 + y/3 बराबर ये आ जाएगा आपका x बराबर। अब क्या करेंगे आप, 9 + y/3 आ गया, अब क्या करें, समीकरण नंबर एक में इसका मान रख दें, लिख दे रहे हैं समीकरण नंबर एक में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर एक में जब x का मान रखेंगे तो x है तो x की जगह पे क्या लिख देंगे, 9 + y/3 इसके बटे क्या है 2 है, और +2y/3 बराबर क्या है -1 है। अब क्या करेंगे, ये दो भाग में जब इसको भाग करेंगे, 9 + y/3 / 2y/3 ये हो जाएगा, तो 9 + y/3 × 1/2 हो जाएगा, +2y/3 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 + y/ क्या हो जाएगा, 2 × 6 + 2y/3 बराबर यहाँ पे -1 लगा लीजिए, बराबर -1 के। अब 3 और 6 का लास लेंगे, 6 आ जाएगा, तो 9 + y 3 × 6 + 4y = -1, तो 9 और 4 1 क्या हो जाएगा, 5y + 9/6 = क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 1 लगा देंगे। अब तिरियक गुणा कर देंगे, 5y + 9 = क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब ये 9 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 5y = हो जाएगा -6 - 9, तो 5y = हो जाएगा -15, तो y = जो आपका मान आ जाएगा -15/5, तो 5 × 3 = 15, तो -3 आ गया y = अब समीकरण नंबर जो ये दिए थे इसको 3 दे दे रहे हैं, अब लिख लीजिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर, जब y का मान आप समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, y का मान क्या आया है, -3 आया है, तो x, ये देखिए समीकरण नंबर 3 क्या है, 9 + y/3 है, या 9 + y/3 है, तो x बराबर यही है ना, x बराबर है 9 + y/3। अब देखिए y का मान आ गया आपका -3, तो 9 + -3/3 ये हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -9 - 3/x = हो जाएगा 6/3, 3 × 6 x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर आपका आंसर आ गया 2 आ गया, y बराबर क्या आया, -3 आया। जब आप इस इक्वेशन में रखेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा -3/3, -1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो -+ हो जाएगा, 2 × 1 = 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, ये प्रतिस्थापन विधि से हल हो गया। जो भी बच्चे इसको नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लें, क्योंकि अब हम चल रहे हैं विलोपन विधि से हल करने। हमें उम्मीद है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ गया होगा। ये देखिए प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि से हल करना, मैंने लेक्चर नंबर 4 में बताया था किस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से हल किया जाता है, किस तरीके से विलोपन विधि से हल किया जाता है, उसमें पूरे डिटेल से एक लेक्चर लिया था प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और वज्गुणनखंड विधि से, तीनों विधियों से बताया था मैंने। अब चलिए विलोपन विधि से हल करेंगे इसी समीकरण को। जब आप इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो सेम वही इक्वेशन हो जाएगी, x / 2y / 3 = -1 हो जाएगा। अब देखिए यही यहाँ पे लिख दे रहा हूँ विलोपन विधि से, विलोपन विधि से करेंगे तो समीकरण पहले लिख दे रहा हूँ, x / 2 + 2y / 3 = -1 आया है,
दूसरा समीकरण है यक्स माइनस वाई बटे थ्री बराबर क्या आया है, तीन आया। यह समीकरण एक है, यह समीकरण दो है। आप देखिए, या 2y बटे 3 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर दो में तीन दो से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2y बटे 3 हो जाएगा। या तो आप समीकरण नंबर दो में क्या कर दें कि हम क्या कर दें, समीकरण नंबर दो में दो से भाग कर देंगे तब भी x बराबर हो जाएगा। या तो आप समीकरण नंबर दो में आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर एक में दो से गुणा कर देंगे तब भी आपका बराबर हो जाएगा। जैसे आपकी मर्जी का है वैसे कर सकते हैं। तो मैं इसको समीकरण नंबर एक में दो से गुणा कर दे रहा हूँ, समीकरण नंबर एक में दो से गुणा करने पर, जब समीकरण नंबर एक में दो से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा दो गुणे यक्स बटे दो प्लस दो वाई के यहाँ हो जाएगा, फोर वाई हो जाएगा ना, फोर वाई अपान थ्री, ये दो से गुणा करेंगे माइनस टू हो जाएगा। ये भी ये समीकरण नंबर हमें मिल गया वन। अब देखिए दो दो से कट गया, क्या आ गया यक्स, ये आ गया यक्स प्लस फोर वाई बटे थ्री बराबर माइनस दो, ये समीकरण हो गया आपका। अब देखिए यक्स से यक्स बराबर हो गया ना, आप घटा दें या जोड़ दें जैसे आपकी मर्जी का है, जोड़ेंगे क्यों, घटाएंगे जब दोनों चिन्ह विपरीत, दोनों चिन्ह समान रहेंगे, यानी कि जब दो चिन्ह समान रहेंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे। जब दो चिन्ह विपरीत रहेंगे यानी कि एक प्लस एक माइनस रहेगा तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब जब एक माइनस दो माइनस रहेंगे, दोनों माइनस रहेंगे तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इस तरीके से देख लीजिए, समीकरण एक और दो लिख दे रहा हूँ, ये आ गया ये समीकरण, ये यही पहला है यक्स प्लस फोर वाई बटे थ्री इजक्वल माइनस टू, ये हो गया। अब ये है यक्स माइनस वाई बटे थ्री बराबर ये आया थ्री, ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो है। अब क्या करें, समीकरण एक और समीकरण दो को यहाँ पे दोनों चिन्ह समान है ना, तो क्या करेंगे, घटाने पर समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, समीकरण दो को घटाने पर जब आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस फोर वाई बटे थ्री बराबर, ये माइनस दो है, ये माइनस दो हो जाएगा यक्स माइनस वाई बटे थ्री बराबर वाई, ये हो जाएगा थ्री। अब देखिए घटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये बराबर है, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया पूरा। अब फोर वाई और देखिए फोर वाई बटे थ्री प्लस वाई बटे थ्री, जब इसको जोड़ेंगे तो फाइव वाई बटे थ्री आ जाएगा, यानी कि फाइव वाई बटे थ्री आ गया, ये हो जाएगा फाइव वाई बटे थ्री बराबर, ये देखिए माइनस फाइव हो जाएगा। तो अब एक हो जाएगा, तीन पचे पंद्रह, फाइव वाई बराबर हो जाएगा माइनस पंद्रह, वाई बराबर जो आ जाएगा माइनस पंद्रह बटे पाँच, तो वाई बराबर जो आ जाएगा इसका मान पाँच तीन है पंद्रह, वाई बराबर क्या आ गया, माइनस तीन आ गया आपका आंसर, ये वाई बराबर माइनस तीन आ गया। अब यहाँ पे रख दीजिए, क्या रखना है, समीकरण नंबर क्या रखना है, समीकरण नंबर तीन क्या एक या दो में, जिसमें मन का है एक में मैं रख दे रहा हूँ, समीकरण नंबर दो में लिख दे रहा हूँ, समीकरण नंबर दो में y का मान रखने पर, जब आप y का मान रखेंगे समीकरण नंबर दो में रखने पर, तो y का मान रखेंगे तो x माइनस, अब y का मान क्या आया है, तीन माइनस तीन आया है, ये क्या आया है माइनस तीन, ये तीन है बराबर क्या आ जाएगा तीन, तो तीन तीन से गया, ये आ जाएगा यक्स माइनस माइनस एक बराबर तीन, तो यक्स बराबर यक्स प्लस एक बराबर हो जाएगा तीन, यक्स बराबर हो जाएगा तीन माइनस एक, तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स बराबर क्या आ गया, माइनस दो आ गया आपका आंसर, अरे प्लस दो आया। इस तरीके से आपका ये दो ये भी क्वेश्चन हल हो गया। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न पर, यानी कि अगले प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं हम, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम उसको।
क्या है कि 3.4 का, यानी कि अब हमें करना है क्या, चलते हैं अब अगले प्रश्न पर, दूसरे का। दूसरे का कितने पार्ट हैं? 4-5 पार्ट हैं, इसको भी हल कर दे रहे हैं हम। दूसरे का पहला बहुत ही आसान क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। मैंने बताया था पहले, तो भिन्न का जब प्रश्न आए तो भिन्न लिख लीजिए, भिन्न बराबर यहाँ पे ऐसे रफ में या कहीं भी ऐसे लिख लीजिए, भिन्न बराबर हो जाता है अंश बटे हर, ये भिन्न हो गया, इसी को बोल देते हैं भिन्न। अब लिख लेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि विलोपन विधि से हल करना है, विलोपन से विधि से ज्ञात कीजिए। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, अंश में एक जोड़ना हर में से एक घटाना है, तो हमें भिन्न में एक, तो भिन्न एक में बदल जाती है यानी एक हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हर में जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। तो मान लेंगे पहले, माना कि भिन्न का अंश बराबर यक्स, और माना कि भिन्न का हर बराबर क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। एक यक्स माने हैं, दूसरा वाई मान लिए, ये हो गया। अब कह रहा है कि अब भिन्न क्या हुई, यक्स बटे वाई, भिन्न क्या है, भिन्न हो जाएगी यक्स बटे वाई। कह रहा है कि आपको क्या करना है, अंश में एक जोड़ देना है, हर में एक घटा देना है। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, क्या करना है आपको, अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ेंगे तो यक्स प्लस एक हो जाएगा, हर में एक घटा दें तो y माइनस एक हो जाएगा, बराबर क्या आ जाता है, एक आ जाता है। ये पहली इक्वेशन बन गई, इसको जब सॉल्व करेंगे यक्स प्लस एक बराबर वाई माइनस एक, तो यक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस एक, ये प्लस एक हो जाएगा उधर माइनस, तो यक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस दो। ये पहली इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो गई इस तरीके से। अब द्वितीय शर्त अनुसार क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें, यानी कि केवल हर में तुम्हें एक जोड़ना है तो अंश में कुछ करना नहीं है, तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार क्या कर दें, हर में कुछ ना, अंश में कुछ करने को कहा नहीं है, अंश जो है वैसे रख दें, अंश वैसे है। हर में क्या करना है, हर में एक जोड़ देना है, हर में क्या कहा है, हर में एक जोड़ दें, हर में जब एक जोड़ देंगे y प्लस एक हो जाएगा, क्या बन जाती है, 1/2 बन जाती है, ये भिन्न हो गई, तो 2x बराबर हो जाएगा वाई प्लस एक, तो 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा एक, ये समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। अब यहाँ पे विलोपन विधि से हल कीजिए, क्या है पहला समीकरण लिख दीजिए, यक्स माइनस वाई बराबर क्या आया है, माइनस 2 आया है। दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस वाई बराबर क्या आया है, एक आया है। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, देखिए आप वाई बराबर है, दोनों चिन्ह क्या है, दोनों चिन्ह मैंने बताया था जब समान रहते हैं तो घटाया जाता है, दोनों चिन्ह समान है तो घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाने पर जब आप समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे, x माइनस वाई बराबर माइनस 2 आ गया है, 2x माइनस वाई बराबर क्या आया है, 1 आया है, घटाएंगे ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस x हो जाएगा, ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया आपका। अब देखिए y का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समीकरण नंबर 1 में यक्स का मान रखने पर, जैसे लैंग्वेज लिख रहा हूँ वैसे लिख दीजिए आप, पूरे में पूरा नंबर पाएंगे, 6 नंबर का प्रश्न आएगा जब ये प्रश्न आएगा, तो जब लिखेंगे आप समीकरण नंबर 1 में यक्स का मान रखेंगे, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, यक्स माइनस वाई बराबर क्या है, माइनस 2 है, तो अब देखिए ये हो जाएगा 3 माइनस वाई, ये माइनस 2, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस, माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 5, तो माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो भिन्न क्या हमें मिल गई, अंश बटे हर के रूप की होती है, तो यक्स बराबर क्या आ गया है,
यक्स बराबर 3 आया है, वाई बराबर क्या आ गया 5 आ गया, ये हमें भिन्न मिल गई, यानी कि ये 3 है ये 5 है, यानी कि 3/5 भिन्न क्या मिल गई 3/5 यानी 3/5 ये भिन्न मिल गई आपका। छः नंबर पक्का। जितने क्वेश्चन लगवाऊंगा 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन गारंटी लेता हूं कि एक क्वेश्चन इस टाइप का फंसेगा तो फंसेगा, और 6 नंबर में फंसेगा, 1-2 नंबर में नहीं फंसेगा, 6 नंबर में फंसेगा। तो जो ये लेक्चर है इसका पिछला लेक्चर यानी जितने पिछले लेक्चर हुए वो जरूर देख लें आप। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या क्या कह रहा है देख लीजिए, इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। अब चलते हैं हम 6 नंबर का ये है प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, देखिए आयु वाला क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस करवा दिया हूं ना कि आपको जबान पे याद हो गया होगा कि किस तरीके से कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पूर्व वो दोनों की आयु के, यानी कि जो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि सोनू छोटा है नूरी बड़ा है। उसके बाद कह रहा है 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोने की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 10 वर्ष बाद जब जाएंगे तो जो नूरी की आयु थी वो सोने की आयु की केवल 2 गुनी बच जाएगी। कह रहा है नूरी और सोने की आयु की कितनी है लिख लें ऐसे, ये दूसरा पार्ट है, लिख लें माना कि सोनू की आयु बराबर क्या यक्ष वर्ष, और दूसरा मानेंगे माना कि नूरी सोनू की आयु क्या माने हो यक्ष माने हो, या नूरी की आयु यक्ष मान लो या सोनू की आयु यक्ष मान लो, जैसे कल मैंने बजाया था ऐसे इसमें भी होगा। देखिए मैं नूरी की मान ले रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर नूरी की आयु क्या है यक्ष वर्ष है, और माना कि सोनू की आयु मैं बोल दे रहा हूँ आप लिख लेंगे यदि बोर्ड पे नहीं साफ दिख रहा होगा वाई वर्ष है, तो क्या है माना कि नूरी की आयु यक्ष वर्ष सोनू की आयु वाई वर्ष। क्या कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, कितना 5 वर्ष पूर्व, पूर्व कहा है मैंने कहा था पूर्व जब शब्द आ जाएगा था मतलब जैसे आप 10 वर्ष के हैं 5 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे तो आप कितने वर्ष के बचेंगे 5 ही वर्ष के बचेंगे, कैसे मिला भैया 10 में से 5 घटाए तभी तो आपको मिला, ऐसे इसमें भी हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व। यदि कापी भरना चाहते हैं आप कापी यानी बोर्ड एग्जाम में कापी भरेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर हो जाएगा यक्स माइनस 5 वर्ष, ये हो जाएगा, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर हो जाएगी वो हो जाएगी वाई माइनस 5 वर्ष, ये हो गया। अब कह रहा है पहली इक्वेशन अब बना दे रहा हूं मैं, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि सोनू छोटा है नूरी बड़ी है, तो मतलब जैसे आप जैसे ये पहले इक्वेशन मैंने बताया था ना, जैसे ये 1 है और ये 3 है, यही कह रहा है ये 3 गुना इससे बड़ा है, तो आप किस में 3 से गुणा करेंगे, ये वाले जो छोटा है उसमें 3 से गुणा करेंगे तब इसी के बराबर हो जाएगा 3/3, तो ऐसे इसमें भी हो जाएगा। लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कि नूरी की आयु क्या है यक्स माइनस 5 है, सोनू की आयु क्या है वाई माइनस 5 है, तो जब इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ये तो और बड़ी हो जाएगी क्योंकि नूरी पहले से बड़ी है, तो जब इसमें 3 से गुणा कर देंगे ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगी, यक्स माइनस 5 बराबर हो जाएगा 3y-15, तो यक्स माइनस 5 बराबर हो जाएगा यक्स माइनस 5। अब देखिए ये माइनस 5 को उधर पाचांतर कर दें, ये 3 जो y है इसको इधर पाचांतर कर दें, तो यक्स माइनस 3y बराबर हो जाएगा -15 +5, तो यक्स माइनस 3y बराबर हो जाएगा -10।
ये समीकरण नंबर एक आपका बन चुका है। अब यानी कि प्रथम शर्तानुसार बन चुकी है, अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार जब आप लिखेंगे क्या है, द्वितीय शर्त पढ़ दे रहा हूं मैं, कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात पहले यक्ष थी, 10 वर्ष बाद यानी कि यक्ष प्लस 10, नूरी की आयु हो जाएगी यक्ष प्लस 10 और उसकी आयु क्या हो जाएगी, वाई प्लस 10, ये हो जाएगी दोनों की इक्वेशन। अब कह रहा है कि कौन, वही नूरी ही बड़ी रहेगी हमेशा, क्योंकि वो बड़ी है तो बड़ी ही रहेगी, दो गुनी आयु की, यानी कि जो नूरी थी वो दो गुनी आयु की थी, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा ये इक्वेशन यक्स प्लस 10 बराबर 2i प्लस 20। तो यक्स माइनस 2i बराबर हो जाएगा 20 माइनस 10, तो यक्स माइनस 2i बराबर हो जाएगा 10। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ये एक था। अब यहाँ पर लिख लीजिए क्या है समीकरण नंबर 1, क्या है यक्स माइनस 3y बराबर क्या है, माइनस 10 है, और यक्स माइनस 2y बराबर क्या है, ये 10 है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब घटाएंगे, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो जब घटाएंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, बार बार वही गलती हो रही है मुझसे, इससे पहले भी एग्जाम में नहीं कर पाया था, लेकिन 2 में से 1 को घटाएंगे, तो जब आप इसको कंडीशन लिखेंगे x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 10, तो ये घटाएंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों घटाए हैं, दोनों चिन्ह ये इसका भी विपरीत था, ये x x कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस वाई, प्लस 2y माइनस 3y, तो क्या बचेगा, माइनस वाई बचेगा, ये माइनस 20, तो माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर क्या आ गया, 20 वर्ष आ गया। कौन 20 वर्ष की है, यानी कि सोनू की आयु 20 वर्ष है। अब देख लीजिए समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में वाई का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में वाई का मान रखेंगे यक्स माइनस 3 × 20 बराबर माइनस 10, तो यक्स माइनस 60 बराबर माइनस 10, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 60, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 50, अरे प्लस 50, ये क्या आ जाएगा, प्लस 50, प्लस लिखें या ना लिखें, ये क्या आया, प्लस 50 वर्ष आया, ये कितनी आई, इसकी आयु कितनी आई थी, 20 वर्ष आई गई थी, यानी कि नूरी की आयु 50 वर्ष है, नूरी की आयु जो है वो 50 वर्ष है, और सोनू की जो आयु है ये 50 वर्ष की हैं, और ये जनाब कितने के हैं, ये जनाब 20 वर्ष के हैं। ये दूसरा भी क्वेश्चन हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, यानी कि तीसरा प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं, ये दूसरा पार्ट था, यानी कि अब तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या वाला, ये भी आया तो 6 नंबर, ये भी 6 नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ 6 नंबर, तीसरा देख लीजिए, उसके बाद 2 बचेगा, बहुत आसान से हल हो जाएगा। अब चलते हैं, अब तीसरा प्रश्न चलते हैं, क्या है दूसरे का तीसरा, दूसरे के तीसरे में यह है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी कि अंकों की संख्या के अंकों का योग, बहुत से बच्चे इसमें बसते हैं, कह रहा अंकों के संख्या के, अभी इतने आसान ट्रिक बताऊंगा कि हलवा लगने लगेगा इस टाइप का प्रश्न, कह रहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने की संख्या के 2 गुने के बराबर है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बस आसान है, क्या लिखेंगे, माना कि, क्योंकि 2 अंकों की संख्या क्या होगी, ये हो जाएगी और ये हो जाएगी, यानी कि इकाई और दहाई 2 चीज होगी, ये इकाई हो जाएगी, ये दहाई हो जाएगी, तो इस तरीके से आप मान लेंगे, माना कि इकाई का अंक, 2 अंकों की संख्या में इकाई दहाई आएगा, माना कि इकाई का अंक बराबर, इकाई का अंक क्या है, यक्स है, माना कि दहाई
का अंक बराबर क्या है? वाई है। कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग, यानी जैसे ये 23 है, इसके संख्या के अंकों का योग 2+3, ये संख्या के अंकों का योग है, ऐसे इसको करेंगे तो हो जाएगा प्रथम शर्त अनुसार। लिख लीजिए प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर क्या आ गया? 9 आ गया। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा देख लीजिए, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि पहले से जो यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, जैसे ये रफ कार बता दे रहा हूँ, मतलब रफ नहीं रहेगा, देख लीजिए ये इस तरीके से होगा। क्या कह रहा है? अब इक्वेशन एक बार और पढ़ दे रहा हूँ कि संख्या के अंकों का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाएगा। मान लेते हैं ये यक्स है तो ये यक्स हो जाएगा, इकाई का अंक यक्स है तो दहाई का हो जाएगा 10y, क्योंकि दहाई का अंक 10 है ना, तो 10y हो जाएगा। अब कह रहा है कि इस संख्या के पलटने से, पलटेंगे तो ये दहाई बन जाएगा यक्स और इकाई जो बन जाएगा वो वाई बन जाएगा, यानी इकाई दहाई, दहाई जो है वो किसमें इक्वर्ट हो जाएगी? इकाई में, और इकाई जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? दहाई में। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका दहाई इकाई, इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस वाई, x प्लस 10y। अब इसको जब पलटेंगे ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब कह रहा है इसका 9 गुना पलटने की संख्या के 2 गुने के बराबर है, पलटी जो संख्या है इसके 2 गुने के बराबर है, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 90y बराबर हो जाएगा 20x प्लस 2y, ये हो जाएगा। अब x वाला x के साथ x वाला यहाँ पे पहचानता कर दीजिए, y वाला इधर ले आइए, तो 90y माइनस 2y बराबर 20x माइनस 9y, तो 90y में से 2y घटाएंगे क्या आ जाएगा? 88y बराबर हो जाएगा 11x के। तब इधर इसको लाएंगे तो हो जाएगा 88y माइनस 11x बराबर 0, कुछ नहीं है तो 0। अब क्या कर ले, 11 कामन ले रहे, 11 कामन लेंगे तो 8y माइनस x बराबर 0, तो 8y माइनस x बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये हो गया। अब इस तरीके से जब इसको इक्वेशन बनाएंगे, जब इसको ये हो जाएगा क्या, माइनस x प्लस 8y बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को कर दीजिए अब हल। समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर क्या है? 9 है। समीकरण 2 क्या है? माइनस x प्लस 8y बराबर क्या है? 0 है। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। क्या कर दें, जोड़ दें समीकरण 1 और 2 को, तो जोड़ेंगे ये माइनस ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये समीकरण यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 के x प्लस 1 x यानी कि कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा 8y प्लस 1y, तो 9y, और 0 में किसी संख्या से जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो ये 9 हो जाएगा। y बराबर जो आ जाएगा 9/9 बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। y बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। अब देखिए समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखेंगे तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 9, तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1, x बराबर हो जाएगा 8, यानी कि ये क्या आ गया? 8 आ गया। ये क्या आ गया? 1 आ गया। दहाई का अंक क्या आया? 1 आया। तो संख्या क्या बनेगी? संख्या मैं यहाँ पे देखिए, संख्या क्या बनी? संख्या इकाई और दहाई, तो इकाई का अंक 8 है, दहाई का अंक 1 है, यानी कि संख्या क्या बन गई? 18 बन गई। वो संख्या क्या बनी है? 18 बनी है संख्या। तो यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है कि कह रहा था द्वितीय शर्तानुसार, ये द्वितीय शर्तानुसार जो थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। पहले देखिए यहाँ पे एक बार और समझा दे रहा हूँ, जैसे संख्या क्या होती है? इकाई और दहाई होती है। तो ये यक्ष माने थे आप, इकाई का अंक यक्ष माने थे, तो दहाई का अंक 10y तो जरूर होगा। उसके बाद कह रहा इसको पलटेंगे तो जो ये दहाई है इकाई है वो दहाई बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x, और जो ये दहाई है वो इकाई बन जाएगा, केवल y बच जाएगा। अब इसका 9 गुना, इसके 9 गुना
जो पलटी गई संख्या है इसका नौ गुना, इसका नौ गुना, अब पलटी गई जो संख्या है उसका दो गुने के बराबर है। इस तरीके से ये इक्वेशन यहाँ पे बन गई है। मैं कह रहा हूँ ये छः नंबर का क्वेश्चन यूपी बोर्ड में छपेगा तो छपेगा, 101% गारंटी लेता हूँ मैं, ये छपेगा क्वेश्चन, समझ में आया। अब चलते हैं, जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लें, केवल दो प्रश्न बचा है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, चौथे प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है, चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि मीना 2000 रुपए निकालने गई बैंक में, उसके बाद उसने खजांची से कहा, खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। बहुत आसान है, लिख लें। माना कि 50 रुपए की नोटों की संख्या बराबर वो क्या है, एक्स है, और लिखेंगे माना कि 100 रुपए की नोटों की संख्या बराबर वो क्या है, वाई है। यानी कि अब देखो 25 नोट उन्होंने पाया, अब 50 की कितनी पाई, 500 की कितनी पाई ये नहीं पता है। यानी कि नोटों की संख्या क्या माने, एक्स है और वाई है। यानी कि प्रथम शर्त अनुसार ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर ये क्या आ गई, 25 आ गई, पहली इक्वेशन बन गई। उसके बाद 50 रुपए की, जैसे मान लिया जाए वो 50 की 10 नोट पाई होगी तो 50 × 10 हो जाएगा 500 रुपए। उसके बाद कितना बचा, यानी 100 रुपए की कितनी नोट पाई होगी, 100 रुपए की वो 15 नोट पाई होगी, तब वो जाके दोनों बराबर हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएगा। हाँ, तो आप क्या लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार, तो 50 की नोटों की संख्या क्या है, एक्स है, तो हो जाएगा 50x प्लस 100 की नोटों की संख्या वाई है, तो 100y। पूरा पैसा कितना निकाली है, 2000 रुपए, तो ये हो जाएगा 2000 रुपए। कैसे हुआ ये 50x + 100y, देखिए 50 की नोटों की संख्या एक्स है, एक देखिए एक नोट वो निकालेगी तो वो 50 रुपए पाएगी यक्स वाली, यानी कि 50 की एक नोट निकालेगी, 50 वाली यानी यक्स की एक नोट लेगी, यक्स वाली जो नोट माने हो वो एक लेगी तो 50 रुपए पाएगी, और वाई वाली जो है वो कितनी है, 100 रुपए है। यानी कि जब दोनों को जोड़ेंगे हम, यानी कि दोनों तो 2000 रुपए निकाली है, 2000 रुपए निकाली है, क्या कामन दिख रहा है, 50 कामन दिख रहा है, 50 कामन ले लो, 50 कामन ले लो, यक्स बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2y, यहाँ पे हो जाएगा 2000। अब देखिए 50 ये गुणे में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 2000/50, 0 0 कैंसिल, 5 5 20 यानी 40 आ जाएगा, तो x प्लस 2y बराबर क्या आ गया, 40 आ गया, दूसरी इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है आपको, विलोपन विधि से हल कर दीजिए। क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर दीजिए, समीकरण नंबर एक यहाँ पे प्राप्त हुआ था, समीकरण दो यहाँ पे प्राप्त हुआ, समीकरण एक और दो को लिख लीजिए, क्या है, समीकरण एक है यक्स प्लस वाई बराबर यह है 25 और यक्स प्लस 2y बराबर है यह है 40। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, क्या करेंगे, दोनों चिन्ह क्या है, समान है, मैंने बताया था जब समान होंगे तो घटाने पर, तो घटा दें, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए ये 40 में से 25 घटाएंगे क्या आ जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा, तो 25 ये माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर क्या आ गया, 15। यानी कि वो 100 रुपए की जो नोटों की संख्या थी वो कितनी पाई है, 15 नोट 100 वाली पाई गई है, 15 नोट जो है वो 100 वाली पाई है, और 15 नोट 100 वाली पाई है तो कितना रुपए हुई, 1500 रुपए हो गई। क्योंकि आप जब 100 की 15 नोट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का यानी कि 15 में गुणा कर देंगे तो यानी कि 1500 रुपए हो गए। अब 50 की नोटों की संख्या निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, समीकरण एक और दो में रख दीजिए, समीकरण एक या दो में जिसमें आपकी मर्जी का रख दिए, मैं समीकरण नंबर एक में रख दे रहा हूँ। लिखेंगे समीकरण नंबर एक में वाई का मान रखने पर, समीकरण नंबर एक में वाई का मान रखेंगे तो समीकरण नंबर एक यह है एक्स प्लस वाई बराबर 25 है, तो एक्स का मान क्या है, वाई का मान क्या है, 15 आया है, तो वाई की जगह पे 15 लिख दीजिए,
25, ये प्लस 15 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x बराबर 25 माइनस 15, x बराबर क्या आ गया 10, यानी कि वो 50 की कितनी नोट पाई है 10। आप इसका जोड़ लीजिए, 50 की 10 नोट यानी कि 500 रुपए, 15 की क्या नोट 100 रुपए, 15 की कितनी 100 की कितनी नोट 15 नोट, तो यानी कि 1500, 1500 और 500 कितना हो गया 2000, यानी कि 2000 तो रुपए वो निकाल कर लाई थी, यानी कि ये हमारा हो गया। अब आज का लास्ट प्रश्न जा रहे हैं हल करने, बहुत ही यानी कि जितने भी प्रश्न हल कराया हूँ 1 से 4 तक जितने भी प्रश्न हल कराया हूँ 101% गारंटी है कि ये कितने नंबर 6 नंबर में फंसेगा तो फंसेगा, एक क्वेश्चन 101% गारंटी लेता हूँ फंसेगा। अब चलते हैं लास्ट प्रश्न, कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी कि एक नियत किराया, उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग अलग प्रत्येक दिन का अलग किराया, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदी, यानी 3 दिन जो किराया लेंगे वो नियत है, यानी कि कह रहा है जैसे आप कोई दुकान पे गए, मैं जैसे कोई दुकान पुस्तकालय है, आप पुस्तकालय में गए, कहेगा कि जो पुस्तकालय का रखवाला होगा यानी कि जो उसका मालिक होगा, कहेगा कि ये जो मैं पुस्तक मैथ की पुस्तक दे रहा हूँ, यदि आप 3 दिन तक रखेंगे तो जितना उसका किराया है उतना ही देना पड़ेगा, यदि एक दिन यदि यानी एक दिन बढ़ती करेंगे यानी कि एक दिन ज़्यादा लेंगे तो आपको उसका अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो वो 7 दिन तक की थी, यानी कि 3 दिन तो उधर तो चला गया किसमें, वो क्या था, वो तो चला गया नियत वाले किराए में, और 4 दिन जो बता वो क्या हो गया अतिरिक्त किराया हो गया, एक को मान लेंगे यक्स एक को मान लेंगे वाई, तो यक्स प्लस 4 वाई इक्वेशन क्या बन जाएगी 27 रुपये, दूसरे में क्या मानेंगे दूसरा 5 दिन तक लिया यानी 3 दिन तो नियत था, तो वो हो जाएगा यक्स प्लस 2 वाई बराबर 21। जब इस इक्वेशन को हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं हल कर दे रहा हूँ, क्या है कि किराए की पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद अतिरिक्त किराया अलग। अब क्या लिखना है इसमें, क्या क्या पूछा उसी को लिख दीजिए। कहा कि प्रत्येक दिन का यानी कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, मान लें आप लिख लें ऐसे, माना कि नियत किराया किराया बराबर क्या यक्ष रुपए हैं, कितने हैं यक्ष रुपए हैं, और क्या है माना कि अतिरिक्त दिन का किराया अतिरिक्त दिनों का किराया क्या है वाई रुपए है, ये माना कि नियत दिनों का किराया, यहाँ पे दिनों लिख लीजिए। अब देखिए 3 दिन, 3 दिन को खाली ये है कि नियत है, तो कितने एक जो थी क्या है उसका नाम कुछ नाम दिया है सूसी नाम दिया है क्या नाम दिया है एक का नाम सूसी दिया है एक का नाम क्या दिया है पुस्तकालय के 3 दिनों का सरिता एक का नाम सरिता है एक का नाम सूती है। सरिता द्वारा जो लिया गया है यानी कि प्रथम शर्त अनुसार यक्ष रुपए और वाई रुपए, तो लिखेंगे सरिता का क्या बनेगा, यानी कि 3 दिन तो वो 3 दिन तो था 4 दिन अतिरिक्त हुआ यानी कि एक के एक दिन का वाई रुपए है 4 दिन का 4 वाई हो जाएगा। सरिता का क्या हो जाएगा, सरिता का ये हो जाएगा लिख देंगे सरिता का हो जाएगा यक्स प्लस 4 वाई बराबर क्या दिया है 27 रुपये वो अदा करती है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद उसका लिख लीजिए सरिता का हो गया, अब सूसी का लिख लीजिए, सूसी है सूसी का क्या हो जाएगा, सूसी का ये है कि वो भी 3 दिन है लेकिन वो 5 दिन तक ले गई तो उसका अतिरिक्त दिन क्या हो, 3 दिन तो वो था नियत था, कितने दिन बचे 5 में से 3 घटा देंगे 2 दिन, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 21 रुपये, ये समीकरण 1 और 2 हो गया। ये दोनों देखिए चिन्ह क्या समान है, घटा दीजिए यार, केवल क्या करना है यहाँ पे एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस
टू आई बराबर 21। समीकरण एक और समीकरण दो को घटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट हो गया, यानी कि प्लस माइनस गया, यानी कि जीरो हो गया। अब यहाँ पे प्लस 4y माइनस 2y क्या हो जाएगा, 2y। यहाँ पे 27 में से 21 घटाएंगे 6, y बराबर क्या आ जाएगा, ₹3। यानी कि जो उसका अतिरिक्त किराया है, एक दिन का अतिरिक्त किराया, वो क्या है, ₹3 है। तो वो कितने दिन तक ले गई थी, वो तो 4 दिन बढ़ती ले गई थी, यानी कि वो ₹12 अतिरिक्त देगी। अब देखिए, अब नियत किराया क्या है, केवल नियत और अतिरिक्त किराया तो हमें मिल गया, वो ₹3 लिख दीजिए। अतिरिक्त किराया जो आया है वो ₹3 है। और देख लीजिए समीकरण एक या दो में रख दीजिए, समीकरण एक में रख दे रहा हूँ। समीकरण नंबर एक में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर एक में y का मान रखने पर, जब समीकरण एक में y का मान रखेंगे तो x प्लस y की जगह पे क्या है, 3 है, तो 4 × 3 = 27। तो x प्लस 12 = 27, तो x बराबर हो जाएगा 27 - 12, x बराबर क्या हो जाएगा, यानी ₹15। तो वो नियत है, यानी नियत किराया कितना है, ₹15, और अतिरिक्त दिन ले जाएगी तो वो क्या देगी, ₹3 बढ़ती देगी, प्रतिदिन ₹3 बढ़ती देगी। ये ₹15 आया, ये ₹3 आया। इस तरीके से ये प्रश्नावली यानी कि 3.4 जो है वो कंप्लीट होती हुई। अब हम अगले दिन, अगले लेक्चर में, यानी कि नए जोश के साथ 3.4 यानी कि 3.5 पढ़ेंगे, उसके बाद एक प्रश्नावली रह जाएगी, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा, जिससे 7 से 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अब हमारे अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।